नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हर जगह स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको फुटस्टेप बेयरिंग के कुछ पार्ट्स बनाए हैं मैंने, वो असेंबल करके एक एक आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बॉडी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बुश है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी रिंग है, रिंग के बाद यहाँ पे आपका शाफ्ट है। ये सारी चीजें मैं एक एक आपको असेंबल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे न्यू में जाता हूँ, न्यू में जाने के बाद असेंबली बोल देता हूँ, असेंबली की यहाँ पे ओके कर दो। ये विंडो खुलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाना है असेंबल में। असेंबल में यहाँ पे जाके बॉडी को कॉल कीजिए। बॉडी को कॉल करने के बाद बॉडी आ जाएगी, आपको जो पोजीशन चाहिए उसके वहां पे उसको एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पे ओके बोल दीजिए। फिर उसके बाद आपको आना है यहाँ पे असेंबल। असेंबल में आपका क्या है, अभी सेकेंड पार्ट है आपका बुश आएगा। सबसे पहले बुश को आप असेंबल करोगे, फिर उसको रिंग को डालना है आपको। अभी इसको जो सही पोजीशन है उसकी, वहां तक उसको ला लीजिए। फिर उसके बाद इसका क्या करना है आपको, एक एक उसको ये करना है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसका रिलेशन देता हूँ और उसके साथ साथ इसका जो अंदर का पार्ट है, इसका अंदर ये वाला पार्ट, इसका रिलेशन देता हूँ। ठीक, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो रंग वाला पार्ट है, ये यहाँ पे स्क्वायर वाला, ये रंग वाले पार्ट को क्या कर देता हूँ मैं, मैंने आधा आधा लिखा है इसको, वो क्या कर रहा है आधा ही इसको, और आपके जो बॉडी में रंग वाला पार्ट है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, को इंसिडेंट बोल देता हूँ। वो नॉर्मल कह रहा है, यहाँ पे जाके उसको को इंसिडेंट। फिर उसके बाद अभी ये पार्शियली कंस्ट्रेंड है, मैं अभी क्या करता हूँ, आपका जो बॉडी का बॉटम वाला जो पार्ट है ना, ये बॉटम वाला इसको ले लेता हूँ, इसको लेता हूँ और इसका जो नीचे वाला पार्ट है आपके बुश का, इसको और इसको क्या कर देता हूँ मैं, इसको दोनों को कोइंसिडेंट बोल देता हूँ। तो अभी कोइंसिडेंट बोलने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे बराबर फिट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे और फुल्ली कंस्ट्रेंट भी हो गया। तो आप इसको क्या करना है, आपको ओके बोल देना है। ओके बोलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे असेंबल में वापस जाना है। असेंबल में जाके यहाँ पे क्या करना है, आपका जो पार्ट था, जो ये थी रिंग थी, उसका जो सही ओरिएंटेशन है उस पर वहां तक ला लेते हैं। फिर ये वाला पोर्शन सिलेक्ट किया मैंने, और फिर इसका ये जो बुश का अंदर का पोर्शन है उसको सिलेक्ट कर लिया, ये कॉन्सिडेंट हो गए। फिर मैंने क्या किया, इसका जो बॉटम वाला होल है, होल का एक्सिस लिया, साथ ही साथ इसका जो एक्सिस था, ये एक्सिस मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसको क्या किया मैंने, कोइंसिडेंट बोल दिया। ठीक है, कोइंसिडेंट होने के बाद मैं क्या करूंगा, अभी इसका ये जो रिंग है, रिंग का बॉटम पोर्शन सिलेक्ट कर लूंगा, उसके साथ साथ इसका जो बॉटम पोर्शन है ये मेरे इसका, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभी एक ही कंस्ट्रेंट बता रहा है, एक ही कंस्टेंट बता रहा है। ठीक है, टेंजेंट बता रहा है, ठीक है, टेंजेंट नहीं चाहिए मुझे, टेंजेंट नहीं चाहिए। वो वहां पे चलिए गलत जगह पे वो बैठ गया, ये टेंजेंट वाला नहीं चाहिए, टेंजेंट वाले को मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, फुल्ली कंस्टेंट नहीं चाहिए। ठीक, तो पार्शली कंस्टेंट हो गया ये। अभी वापस मैं क्या कर लेता हूँ, ये पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और बुश का अंदर का सर्फेस सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाद में फिर
बॉटम वाले पोर्शन। तो वापस से एक बार लेता हूँ, असेंबल, असेंबल पार्ट, ओके आ गया है यहाँ पे। इसको उसकी जगह पे लाता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर लेके आता हूँ। फिर इसको एक एक कंस्टेंट देता हूँ, पहले इसको यहाँ पे दिया और इसका इसका अंदर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका पिन, इसका जो पिन है इसको पूरा ऊपर ले लेता हूँ। फिर इसका अंदर का ये अंदर का पिन का एक्सिस, एट द सेम टाइम आपका जो बॉडी का, बॉडी का पिन है अंदर का, देखिए यहाँ पे एक्सिस है, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको मैंने ओरिएंट बोल दिया, ठीक है। फिर ये जो बॉटम वाला पोर्शन है आपके रिंग का, रिंग का बॉटम वाला पोर्शन, रिंग का बॉटम वाला पोर्शन और इसका इसका ये बॉटम वाला पोर्शन। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके रिंग यहाँ पे फिट हो गई। इसको ओके बोल दो। ओके बोलने के बाद आपको क्या करना है, वापस शाफ्ट पे जाना है, शाफ्ट को कॉल करना है आपको। शाफ्ट कहाँ पे, यहाँ पे शाफ्ट है आपका, शाफ्ट को कॉल करो। शाफ्ट आ गया है यहाँ पे, इसको उसको सही जगह पे उसके ला लो। सबसे पहले इसको फ्रंट व्यू बोल के देखो इस बार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको शाफ्ट को मैं ये साइड ले लेता हूँ, आपको जहाँ फिट करना है वहाँ पे उसको बिठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अभी वापस इसको स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में ले लेता हूँ। और फिर इसका इसका बाहर का सरफेस और इसका अंदर का सरफेस ले लेता हूँ, कॉन्सिडेंट हो गया। और फिर इसका ये बॉटम वाला पोर्शन, इसका ये बॉटम वाला पोर्शन और इसका अंदर का जो, इसका अंदर का जो पोर्शन है उसको इसको कोइंसिडेंट बोल देते हैं। तो कोइंसिडेंट तो नहीं हुआ वो, एक बार वापस ये वाला पोर्शन और अंदर वाला पोर्शन कोइंसिडेंट। इसको क्या करना है आपको, इसे अंदर तक इसको इंसर्ट, फिर वो होना चाहिए था तो क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, और बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर पिन इंसर्ट कर, बस आपका असेंबली हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।